साबिक मुशीर ज़रात पंजाब अब्दुल हल के घर पर छापा। दो तिजोरियों में छुपाई गई मुल्की और गैर मुल्की करंसी बरामद। कुल मालियत 12.5 करोड़ से ज्यादा है। नोट गिनने में कई घंटे लग गए। तफ्तीश के बाद मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। सुहेल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताएगा क्या मामला है, अब तक की तहकीकात में क्या कुछ मालूम हो सका? महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो सरदार अब्दुल हई दस्ती जो है उनके घर पर मुजफ्फरगढ़ में छापा मारा गया है। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक वहां से जो है वो करेंसी बरामद हुई है नोटों से। अब 12 करोड़ जो है वो एंटी करप्शन जराये के मुताबिक बरामद कर लिए गए हैं, जबकि सरदार अब्दुल हई खान दस्ती जो है वो घर में मौजूद नहीं थे, वो गिरफ्तार नहीं हो सके। जबकि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो करेंसी बरामद कर ली गई है, नोट जो है बरामद किए गए हैं, उनकी तफ्तीश के बाद मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक उन पर मुबैना तौर पर अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के इल्जाम थे, जिस पर महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो है वो खुफिया रेड की गई थी, जिस पर जो है उनके घर से ये करेंसी नोटों के जो बोरी से भरे हुए बरामद हुई है। और इन तमाम सूरत हाल के बाद महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मजीद जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से जो टीम तश्कील दी गई है वो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इब्तदाई तौर पर ये चीज सामने आई है कि एंटी करप्शन की टीम को जो है वो 12 करोड़ रुपए कैश जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और सरदार अब्दुल हई खान दस्ती जो है वो घर में मौजूद नहीं थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाना था। बहुत शुक्रिया सुहेल बलोच अपडेट करने के लिए।